विदिशा जिले के बांसकुली शहर में एक जूते चप्पल की दुकान में भीषण आग लग गई। दरअसल आगजनी की यह घटना बीती रात 2 बजे की बताई जा रही है। दुकान में आग लगने की सूचना मिलते ही दुकान मालिक मोहम्मद जावेद तुरंत मौके पर पहुंचे और इस घटना की सूचना दमकल विभाग को दी। वहीं दमकल विभाग ने भी तत्काल मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का प्रयास किया। बता दें कि जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक आगजनी से दुकान में काफी नुकसान हो चुका था। वहीं दुकान के मालिक मोहम्मद जावेद ने कहा कि इस आगजनी की घटना में उसे लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने की घटना ज्ञात बताई जा रही है। बांसकुली में सेबाजी चौक पे एक जूते की दुकान है, एसके बूट हाउस दुकान का नाम है। आग 2 बजे के समथिंग लगी है और तुरंत सूचना मुझे मिल गई थी तो तुरंत तत्काल मैं घर से यहाँ आ गया हूँ दुकान पर और आके हमने आग पे काबू पा लिया है। फायर ब्रिगेड तो आई नहीं थी तो हम लोगों ने मोहल्ले वालों ने मिलके मकान मालिक ने मिलके आग पे काबू पा लिया। हार्ट सर्किट तो नहीं है, अब वो तो अज्ञात ही है, अज्ञात है, हार्ट सर्किट नहीं है। हार्ट सर्किट होता तो लाइट चली जाती, लाइट तो अभी वर्तमान में है। 1.5 से 2 लाख रुपए के समथिंग का माल जल गया है मेरा। इससे पहले भी मेरी घटना होती आज से 4 साल पहले, जब भी मैं काफी चक्कर लगाए मैंने, कोई समस्या का समाधान उस टाइम भी नहीं हुआ था। रात को मैं थाने भी गया था तो टीआई साहब आए थे तो कहने लगे कि सुबह आना आप रिपोर्ट सुबह लिखेंगे।